और इनकी चल रही है आज समोसा पार्टी। और नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और अभी बचे हैं सुबह के 7 और हार्दिक जाने लगा है स्कूल। और हार्दिक के स्कूल जाने के बाद मैंने अपने घर का थोड़ा बहुत कुछ काम निपटाया, झाड़ू लगाया और उसके बाद मैं चली गई नहाने। और अभी घर में कुछ लोग उठे नहीं थे इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत काम करके पूजा कर लेती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन को क्लीन किया। वैसे तो किचन मेरी रात को क्लीन हुई थी बट थोड़ा सा अभी भी क्लीन कर लिया था क्योंकि हार्दिक गया था तो ब्रेकफास्ट बनाया उसके लिए। और अब मैं आ गई पूजा वाले रूम में। पूजा वाले रूम में मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज करी और उसके बाद मैंने करी पूजा। और अनुज का भी फास्ट था और अनुज को जाना था ऑफिस तो मैं दे रही थी उनको मखाने भूनकर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैंने उनको दे दिया था। और वैसे तो मैंने अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग पहले ही मैं कर चुकी थी बट आज मैंने थोड़ा सा बाहर से क्लीन किया क्योंकि यार डस्ट वगैरह बहुत हो जाती है यहाँ। तो मैंने एक कपड़ा लेकर अच्छे से मंदिर को बाहर से क्लीन कर लिया। और अपनी माता रानी के लिए मैं जो लहंगा लेकर आई थी वो मैंने आज उन्हें पहनाया और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और माता रानी को तैयार करने के बाद मैं जो श्रृंगार का सामान उनके लिए लाई थी वो भी मैंने उनको चढ़ा दिया था। और फिर मैंने करी अपने कलश की स्थापना। और यार कलश की स्थापना मुझे जितना भी आता है मैं बस उतना ही कर लेती हूँ। लौंग, सुपारी, बतासा, सिक्का जो भी पानी में डालते हैं गंगा जल वो मैंने डाल लिया था। बाहर से मैंने स्वास्तिक बनाया। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने भी फास्ट रखा है और मेरे घर में मेरा और अनुज का फास्ट है। और आप सभी लोग को पता ही है कि मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई है क्योंकि यार उसके ना घर में मतलब जो उसके इन लॉज हैं हस्बैंड हैं वो लोग कहीं गए हुए हैं और वो नहीं गई थी तो इसीलिए वो मेरे यहाँ आ गई है और अभी वो 2-3 दिन और मेरे यहाँ रहेगी। और आप लोग बताइए कैसा आप लोगों की तैयारी चल रही है। वैसे तैयारियाँ तो हो गई होंगी क्योंकि आज तो स्टार्ट ही हो गई है नवरात्रि। तो यार नवरात्रि का दिन ना कितना अच्छा लगता है, मुझे तो ये 9 दिन बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैंने आपने देखा मैंने कलश स्थापना भी मेरी हो गई है, मंदिर में पूजा भी मेरी हो गई है। और यार मुझे ना पूजा ऐसे ही आती करनी, मतलब शादी से पहले मैंने कभी की नहीं और शादी के बाद भी मैं उतनी ज़्यादा नहीं करती, थोड़ी थोड़ी करती। मुझे तो आरती भी नहीं आती है कोई मैं 1-2 लाइन के बाद कोई आरती नहीं गा सकती हूँ पूरी। तो बस ये है कि जितना भी हो सकता है जितना भी हो पाता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। और अभी सुबह उठ के मेरा ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। मैं उठ गई थी तो मैंने थोड़ा सा बस झाड़ू लगाया था और थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करी क्योंकि रात को तो वैसे मैं करके सोई थी बट सुबह भी थोड़ा बहुत मैंने हल्की फुल्की कर ली थी।
बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि नहाने के बाद तो मैं वो सब करूंगी नहीं, तो मैंने सुबह एक बार कर लिए थे। और अनुज के जाने के बाद किचन बहुत फैल गई थी, मैंने उनको फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए थे। और किचन को तो जितना क्लीन करो ना उतना कम ही होता है, क्योंकि पूरा दिन एक किचन ही ऐसी होती है जो पूरा दिन फैली हुई होती है और हमेशा उसे क्लीन करना ही पड़ता है। और फिर मैंने बनाए सबके लिए पनीर के पराठे, क्योंकि सब लोग उठ चुके थे। अच्छा सुनो सारांश, पराठा किसने बनाया? मम्मी ने। मम्मी ने, अच्छा। और कब बनाया? कल बनाया था। और कैसा हो रहा है? यम्मी। ठीक है। और मैंने क्या करा? मैंने कुछ करा नहीं, करा कुछ बनाया नहीं बनाया मैंने। अरे तूने बनाया। कुछ नहीं बनाया। और वो बता, बोल दो हेलो गाइस, बोल दो हेलो गाइस। और वापस से फिर मैं किचन में आई और किचन मैंने पूरी क्लीन करी, क्योंकि अभी पराठे बने हुए थे तो फिर से किचन गंदी हो गई थी। और फास्ट वाले दिन ना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, किचन की क्लीनिंग बार बार करनी ही पड़ती है क्योंकि फास्ट होता है और कुछ भी किचन में गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अब बार बार मैं किचन ही क्लीन करने में लगी थी। और आज पूरा दिन शायद मेरा किचन को क्लीन करने में ही गया था। और मैं ना जब भी नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ तो आटा ना नया ही लेके आती हूँ, क्योंकि 9 दिन तक फिर थोड़ा साफ सुथरा ही ये सब कुछ खाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आटा भी नया मंगाया और आटे के डब्बे में मैंने डाल दिया। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, 1 बज चुका था, तो मैंने बनाई अपने लिए लस्सी और थोड़े से फ्रूट्स खाए। और अब मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि दिन में अब 2:30 बज गया है और हार्दिक भी आ गया है, हार्दिक नहाने गया है और वो स्कूल से आने के बाद भी नहाता है और सुबह नहा के ही जाता है। और बस अब मैं बना लेती हूँ पुलाव इन सबके लिए, और बिना लहसुन प्याज के ही सब कुछ बनेगा अब 9 दिन तक। सारा आज नींबू पानी पियोगे? और यार जब से मेरी छोटी बहन आई है इन दोनों ने तो घर में आतंक मचा रखा है, ना सोने देते हैं ना कुछ काम करने देते हैं, दिन भर बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। जले सारांश, सारांश दद्दा से गाड़ी मांग जा, जल्दी जा जल्दी जा, देगा चल उससे मांग के, छीन के ले गया, जल्दी छीन के लेके आ जा। बाथरूम है? कहाँ बंद करूँ? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बाथरूम बंद कर दो उसको। हाँ? आपको कर दो बाथरूम बंद? नहीं। किसको करना है? किससे करूँ बाथरूम में बंद? हार्दिक को। हार्दिक को अभी करती हूँ, चल हार्दिक बाथरूम बंद करती हूँ, चल खुद जा रहा हूँ। मैं खुद जा रहा हूँ। अरे मम्मी चलो आप सोने, चलो चलो जल्दी चलो हार्दिक, नहीं बेटा चलो वो भी सोएगा अपनी मम्मी के संग, आप भी सोगे, चलो जल्दी जल्दी। अंश मैं हलवा बना रही हूँ, आप खाओगे? आप खाओगे? मैं चिकन खाऊंगा। क्या खाऊंगा? चिकन। बेटा आज नवरात्रि है, चिकन नहीं खाते हैं। हलवा खाओगे? बताओ, मैं हलवा बना रही हूँ। बाहर खाएंगे चिकन। बाहर खाएंगे चिकन? हलवा बताओ मैं बना रही हूँ, खाओगे? है। और अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के बज गए थे 6, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, पहली नवरात्रि है। और हलवे के साथ मैंने थोड़े से बनाए पुए, और जिन लोगों को पता नहीं होगा कि पुए क्या होते हैं, तो हम यार उत्तराखंड में ना एक ये बनता है, मतलब सूजी का और केले का, सूजी केला दही इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं मीठे पुए। वैसे उत्तराखंड में भी हर कोई नहीं बनाता होगा, बट हम पहाड़ियों के यहाँ तो बनता ही है, हमेशा त्योहारों में तो जरूर बनता है। मेरा है फास्ट और इनकी चल रही है आज समोसा पार्टी, और ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसका व्रत है उसके सामने समोसा ना खाएं हम।
और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी और मेथी की पूरियां। बट अभी मेथी ना मिली नहीं है, अब मैंने अनुज को भेजा है मेथी लेने के लिए। अगर मिल जाएगी तो मेथी की पूरी बनेगी, वरना नॉर्मल पूरी बनेगी। और हलवा और पुए तो मेरे बन गए हैं। तू है जगदम्बे काली, दुर्गे भक्तर आसरा वाली दा साचे दरबार की जय। जय श्री राम। तो ऐसा रहा मेरा नवरात्रि का पहला दिन, और आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।